ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजे हैं जीने में। अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, इन्हीं दो पंक्तियों के साथ आज के वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12th एक्सीलेंट बुक में जो आपके प्रोनाउन संबंधी एक्सरसाइज पूछी गई है उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो अंत में आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक निकाल कर बैठ लें, जैसे कि मैं रूल्स को लिखाऊंगा आप लिखते रहें, क्योंकि अक्सर डिफेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम यूपी बोर्ड क्लास 12th का यह सॉल्व एक्सरसाइज होगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है विच यूज, जो प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी एक नाउन के बजाय। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लता फेल्ड, लता असफल हो गई, लता फेल्ड, समझ लीजिए लता फेल्ड, लता असफल हो गई। फिर मैंने लिखा बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि लता डिड नॉट रीड, लता डिड नॉट रीड। तो फ्रेंड्स, लता लता ना लिखें, इसके लिए हम प्रोनाउन यहाँ सी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स यानी कि जो सर्वनाम होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें आई मी इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, वी यस यू ही हिम सी हर इट दे देम ईटीसी। उसके बाद दूसरा होता है आपका पजेसिव प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मैं आपको अलग से क्लियर कराऊंगा। तो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन आवर्स योर्स हिज हर्स इट्स देयर्स। इसका पजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, इट्स नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस में काफी दिक्कत होती है, जैसे मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउंस, इसमें हु है, हुम है, विच है, दैट है, ईटीसी। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हुम, हुम, व्हाट, विच, हु, हुम, व्हाट, विच, ईटीसी। पांचवा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसमें आपका ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नन है, एनी है, एनी वन है, ईटीसी। ये होते हैं, आप लिख लेना, आपको वीडियो पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें ईच अदर, वन अनदर होता है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसमें दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच, ईटीसी आते हैं। उसके बाद है आपका अगला इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जिसमें एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, वन, समवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, ये सभी इसमें आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस में। और उसके बाद आपका नौवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ लिख लेना, योर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ, वन सेल्फ्स, ईटीसी। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या अंतर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जब ट्रांसिटिव वर्ब हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं इसमें जोर डालने के लिए किया जाता है, अर्थात है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ वही है बिल्कुल से। तो आपको काफी नया सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में, जिसे हम डिफेंस लेवल में अक्सर पढ़ा करते हैं या वो टीचर लोग हमें पढ़ाया करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी एक्सरसाइज जो दी गई है उसे सॉल्व करते हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछने का रहेगा। तो इस बार आपको एक चार ऑप्शन रहेगा, जो भी गलती होगी वहां आपको आंसर देना होगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। तो वन जब हमारा सब्जेक्ट होता है, व्हेन वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, द पजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू यूज वन। तो वन के अकॉर्डिंग ही हमारा पजेसिव केस यूज होगा, तो यहाँ हिज नहीं रहेगा। वन का आपका पजेसिव केस होता है फ्रेंड्स वन एपोस्ट्रोफी एस वंस, तो हिज के स्थान पर वंस लिख देंगे आपका करेक्ट आंसर होगा।
वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपने एक सुने होंगे कि जो हमारे पर्सन होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, जो पर्सन होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। आपने पहला देखा होगा फर्स्ट पर्सन, फिर होता है आपका सेकंड पर्सन, और फिर होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपका आई होता है और इसका प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन का यू ही सिंगुलर होता है और यू ही प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो तो तुम यहाँ है, लेकिन एक के लिए युवा है। अगर मैंने कहा तुम सभी अच्छे छात्र हो तो यहाँ आप सबके लिए है, तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर आप जानते हैं ही सी इट, लेकिन इसका जो प्लूरल होता है वह दे होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? दे। वहां लिख लेना, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे इसका प्लूरल होता है थर्ड पर्सन का। जब फ्रेंड्स आपका गुड मैनर्स के बारे में बात की जाए, गुड मैनर्स के बारे में बात की जाए, और वहां आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो, सेकंड पर्सन हो, और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अर्थात तीनों सिंगुलर हो, तो हम 231 के नियम में लिखते हैं। कितने के में लिखते हैं फ्रेंड्स? 231 में। अर्थात सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे तो यह दो हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन दिया होगा उसे लिखेंगे तो यह हमारा तीन हो जाएगा, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे यह एक हो जाएगा। अर्थात जब इसमें यू ना दिया हो तो फिर 31 का नियम रह जाएगा, अगर इसमें तीन ना दिया हो तो फिर 21 का नियम रह जाएगा। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। अगर हम किसी अपराध की बात करें तो फिर यह 123 हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? 123 हो जाता है। या फिर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, यू हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तीनों ही प्लूरल हो, तो फिर भी हमारा 123 ही रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें अभी क्या गलती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यू लिखना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ? यू लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन दिया है तो आप ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ही लिखेंगे। उसके बाद आपको एंड लगाना होगा, और फ्रेंड्स जब ये तीनों जुड़ जाएं तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। तो यहाँ एक बार पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन यू दिया है तो यू लिखेंगे, कॉमा देना होगा, उसके बाद ही लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, और उसके बाद थर्ड फर्स्ट पर्सन आपका आई। तो देखिए फ्रेंड्स, 231, 231, तो 231 का रूल बन गया, वेंट टू दिल्ली। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन भी हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो फिर 131 रहेगा। जैसे कि हमें लिखना हो वी 231 और 123, तो दो यू वी एंड दे। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां देखिए आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यहां सेकंड हो गया, और यहां प्लूरल आपका दे हो गया, तो यह 123 में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। यानी कि जब फ्रेंड्स आपको पहले सेंटेंस से रीजन का पता चले और दूसरे से रिजल्ट का पता चले, तो आप जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तो यूज करते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल की बात कर रहे हैं। अगर पहले सेंटेंस से रीजन का पता चलता है तो हमें उस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ मौसम की बात की गई है तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इट, उसके बाद बी, तो बी हमारा स्मॉल हो जाएगा, और बीइंग, बस केवल ये लिख देंगे कि इट बीइंग वेरी कोल्ड डे कॉमा आई कुड नॉट गो आउट, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपको इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो इसमें आप कहेंगे कि क्या गलती है, देखने में तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं फ्रेंड्स, उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो तो यह हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो फ्रेंड्स यहां देखे तो एक ऑब्जेक्ट दिया है और वह ऑब्जेक्ट कोई और है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम ऐसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ ऑफ तो दिया है, देखिए ऑफ दिया है, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट यहाँ दिस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अवेल के बारे में
अवेल के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ यू का हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स भी बता देता हूँ, जैसे देखिए एक्वाइट यहाँ लिख देता हूँ, ए सी क्यू यू आई टी लिख लेना, एयरफोर्स के लिए काफी मजबूत है। एबसेंट ए वी एस ई एन टी एबसेंट, अवेल अवेल जो अभी लिखी आपने, उसके बाद है आपका रिजाइन रिजाइन, उसके बाद है आपकी रिवेंज इंजॉय रिवेंज इंजॉय, उसके बाद है आपकी प्राइड प्राइड पी आर आई डी ई प्राइड, उसके बाद है आपकी अप्लाई ए डबल पी एल वाई अप्लाई, उसके बाद है अडेप्ट ए बी ए पी टी अडेप्ट, उसके बाद है फ्रेंड्स आपकी ओवरवीच 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 लिख लेना बार बार आप चाहें तो लिख सकते हैं। इनके बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम इनके तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अवेल के तुरंत बाद हमें योर का योर सेल्फ लिख देना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो आपका सही होगा यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जिसके लिए मैं दो तीन क्वेश्चन लेना चाहूंगा जिससे आपका जो डाउट है बिल्कुल से खत्म हो जाए और वर्ब भी सिंपल लूंगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा आई एंजॉयड द पार्टी आई एंजॉयड द पार्टी, तो आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है कमेंट के माध्यम से। दूसरा है आई एंजॉयड इन द पार्टी। दो क्वेश्चन है और भी मैं क्वेश्चन आपके लिए बोल देता हूं। दे एंजॉयड द पिक्चर लास्ट इवनिंग, और अगला है दे एंजॉयड ड्यूरिंग समर वोकेशन। तो फ्रेंड्स यहां देखिए आई एंजॉयड एंजॉयड आपका एक ट्रांसलेटिव वर्ब है जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया है पार्टी। तो इसके बाद तो हमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। गॉट इट? कोई भी आपको नहीं बताएगा कोचिंग्स वगैरह में आई एंजॉयड द पार्टी, लोग कह देंगे कि एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। लिखा तो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन जब इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस वर्ब का तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो फ्रेंड्स यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो पार्टी है यह प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां हमें माई सेल्फ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है, शेयर करें वीडियो को, अपनी राय दें समझ में आया है या नहीं आया। तो फ्रेंड्स आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, यह सही होगा और यह भी आपका सही है आई एंजॉयड द पार्टी, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसका प्रभाव जो है स्वयं हमें यहाँ सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और कोई डाउट आपके मन में ना रहे। जैसे कि मैंने लिखा दे एंजॉयड They enjoyed the picture. शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रेंड्स PIC, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने They enjoyed during the summer, summer vacation या summer, समझ लेना कुछ भी हो, summer लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, summer vacation, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ देख के बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स दे एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया द पिक्चर, उस तस्वीर का। तो फ्रेंड्स देखिए एंजॉयड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट है तो यह तो बिल्कुल सही है, इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। लेकिन दे एंजॉयड ड्यूरिंग, यहाँ आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो समर वोकेशन है यानी कि जो गर्मियों की छुट्टी है वह एक प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें फिर से माई सेल्फ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? माई सेल्फ। अब भविष्य में आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इट इज मी हु डिड इट। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इट इज मी हु डिड इट, यानी कि यह मैं ही तो हूं जो जिसने इसे किया है। तो फ्रेंड्स द वर्ब टू बी, यानी कि द वर्ब टू बी शुड बी यूज्ड
Should we use the followed by subjective form when the complement is pronoun? Complement ही क्या होता है आपका? Pronoun होता है. तो आप ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ समझिए, जब आपका जो linking verb है, linking verb, उसके बाद में, linking verb के बाद में प्लस यहाँ लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है. कॉम्प्लीमेंट है ये. अब फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह या तो नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, शॉर्ट में लिख देंगे. उसके बाद या तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है. कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ऐसे, मैं बता रहा हूँ, वो तो बोर्ड की हमारे पास थोड़ी समस्या है, कुछ दिन बाद आपको वीडियो लेक्चर अच्छे मिलेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव, इसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद. तो प्रोनाउन जो होगा अगर वह इसके रूप में आ जाए है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है. फ्रेंड्स, किसके रूप में लिखा जाता है? सब्जेक्टिव रूप में. लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट तीन तरह से कार्य करता है, या तो वह नाउन के रूप में हो सकता है, या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, या एडजेक्टिव के. लेकिन जब वह प्रोनाउन के रूप में आएगा तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है. एग्जाम्पल से समझेंगे अभी. जैसे मैंने लिखा, आई एम हरीश, आई एम हरीश. तो फ्रेंड्स, यहाँ तो आपका नाउन है तो वह तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, यह आपका लिंकिंग वर्ब है. जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे आपको कोई दिक्कत ना रहे कि एग्जांपल लिया मैंने, इट इज हर. वैसे इंफेटिव कर रहा है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखा जाएगा. प्रोनाउन है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे आप? सी लिखेंगे. इससे बोर्ड में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती थी. तो इट इज मी के स्थान पर आपका आई हो जाएगा. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई. इट इज आई हु डिड इट. चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं. योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि तुम स्वयं ही क्या हो? जिम्मेदार हो. अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज प्रेसिडेड बाय प्रोनाउन और नाउन. तब तक फ्रेंड्स, यह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. तो फ्रेंड्स, योर सेल्फ नहीं लिखेंगे. आप चाहे तो इसे इंफेटिक बना सकते हैं, तो यू लिख सकते हैं. यू योर सेल्फ सही हो जाएगा, लेकिन आप योर सेल्फ के स्थान पर ही यू लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? यू आर रेस्पॉन्सिबल. या जोर देने के लिए यूज हुआ है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंफेटिक प्रोनाउन हो जाएगा. आप लिख देंगे यू योर सेल्फ, यानी आप खुद ही. यू योर सेल्फ, आप खुद ही क्या हैं? जिम्मेदार हैं. तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, आई एंड यू हैव डन इट. तो फ्रेंड्स, इसमें आपका वही एरर है. सेकंड पर्सन आपका पहले आएगा, तो पहले आप यू लिखेंगे, उसके बाद आप एंड लिखेंगे, उसके बाद आई. तो फ्रेंड्स, यह आपका दो हो गया, यह एक. तो 21 का नियम रह गया, अगर तीन होता तो यहाँ तीन और लिख देते, तो 2 से 3. लेकिन यू एंड आई और एंड से जुड़ने के बाद वर्ब प्लूरल होता है 10th के अकॉर्डिंग, तो है बिल्कुल सही है. यू एंड आई हैव डन इट बिल्कुल करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है, दिस बुक इज माई. यह क्वेश्चन खुलेगा फ्रेंड्स, टाइम तो लगेगा लेकिन नॉलेज आपको बहुत मिलेगी. यानी यह किताब मेरी है. तो फ्रेंड्स, यह जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव. शॉर्ट में लिख लेना है फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव. लेकिन फ्रेंड्स, आपका पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं. मैंने अभी आपको दिखाए थे, पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो एडजेक्टिव के यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए. अगर आप पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो उसके बाद में हम नाउन का जिक्र नहीं करेंगे. तो यहाँ हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज माई बुक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस बुक इज माई की जगह पर केवल आप माइन लिख देंगे. क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? माइन लिख देंगे. और माइन हमारा क्या हो जाएगा?
पजेसिव से वो प्रोनाउन हो जाएगा। इसका मतलब यह निकलेगा कि हाँ माई पेन नहीं लिखना पड़ेगा, अर्थात नाम को रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि माई बुक के मतलब ही निकलेगा, यानी कि दिस बुक इक्वल टू माइन, यानी यह किताब मेरी है। और फ्रेंड्स इस सेंटेंसेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आप बोलते होंगे कि मेरी यह कार है या मेरी यह किताब है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज माइन, तो यह हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई सेंटेंस, तो माइन इज दिस बुक, माइन इज दिस बुक, यह सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही होगा, काफी एडवांस लेवल का है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप समझ में आया होगा पजेसिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, माइन हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, अवर्स हो गया, इसमें एस लगा हो वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, और जैसे माई, हिज, अवर, ये सब आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनके बाद में नाउन आना कंपलसरी है, और इनके बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि नाउन का ही इक्वल टू करके इनका अर्थ निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वॉट इज इट विच ट्रबल्स यू क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स एक रूल तो हमारा यह कहता है कि वॉट और हू से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, वॉट और हू से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, वॉट और हू से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस हों तो हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनके बाद हम विच का यूज नहीं करते हैं, इनके बाद विच का यूज नहीं करते हैं, अर्थात इनके बाद हम दैट का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? दैट का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए हैं यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, विच के स्थान पर हम दैट का यूज कर देंगे, क्या कर देंगे? दैट। तो सेंटेंस होगा वॉट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही है। और भी एग्जाम्पल देखना चाहे तो मैं यहां लिखूंगा वॉट, वही एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम साई कि वॉट इज इट, यहां मैंने लिखा विच, करेक्ट करके बताएंगे आप, विच मेक्स यू फियरलेस। इसे आपको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। एक और क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए, यही आपको करेक्ट करना है। वैसे चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हु एम आई दैट शुड हेल्प यू, ठीक है फ्रेंड्स, इसे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका फिर से वही कि यू एंड आई हैव डन माई टास्क। तो फ्रेंड्स यहां तो दो आपका सही है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है और आई आपका फर्स्ट है, तो बिल्कुल क्रम तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ जो माई है यह पजेसिव केस गलत है। आप पेन कॉपी निकालिए, लिखिए, अगर आपको आई प्लस या फिर वी प्लस, आई प्लस या वी प्लस अर्थात फर्स्ट पर्सन के बाद चाहे आपको यू देखने को मिले, चाहे आपको ही देखने को मिले, चाहे आपको सी देखने को मिले, चाहे आपको दे देखने को मिले, तो इनके बाद जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है वह आपको अवर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स? अवर लिखा जाएगा। तो आप समझ गए हैं गलती कहाँ है, गलती आपका माई की जगह पर अवर हो जाएगा, क्योंकि तो फर्स्ट पर्सन दिया है। सेकेंड रूल हमारा इसका क्या कहता है, सेकेंड रूल आपका क्या कहता है वह देखते हैं, चलिए ले लेते हैं। दूसरा रूल आपका कहता है कि जब आपका सेकंड पर्सन दिया हो, क्या दिया हो? सेकंड पर्सन, लेकिन आपको उसमें आई और वी ना दिया हो और इसके बाद थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दिया हो या नाउन दिया हो, तो हम फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव योर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं योर का, ध्यान रखना है फर्स्ट ना हो, आई वी ना हो, अर्थात यू के साथ कोई भी दिया हो तो हम योर का ही यूज करेंगे। और ये दोनों ना दिया हो, आई और वी और इसके साथ यू ना दिया हो, तब फ्रेंड्स हम किसका यूज करेंगे? तब हम देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। आई होप आपको यह भी रूल अच्छे से समझ में आया होगा, जब आई वी के साथ कोई भी प्रोनाउन दिया हो तो हम अवर का यूज करेंगे, और जब हमें यू के साथ थर्ड पर्सन दिया हो, आई और बी ना दिया हो, तो हम योर का यूज करेंगे, और जब ये दोनों ही ना दिया हो, थर्ड पर्सन बचे, तो हम देयर का यूज करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो क्या गलती थी यहाँ हमारी गलती थी माई की जगह पर अवर, क्या हो जाएगा? यू एंड आई हैव डन अवर टास्क। अगला क्वेश्चन है वन, तो वन के स्थान का प्रयोग नहीं करेंगे, वंस का करेंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था। चलिए अगले को देखते हैं।
होम दिस बुक को, होम बुक इज दिस, होम बुक इज दिस। तो फ्रेंड्स होम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तुमने किसे पीटा, यानी कि होम, होम बीट यू, होम बीट यू, आपने किसको पीटा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में हम होम का यूज नहीं करेंगे। और बुक बुक आया है आपका, तो यहाँ हमारा नाम तो दिया है, तो हम समझ गए पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ हम हुज का यूज कर देंगे, किसका यूज कर देंगे, हुज का। तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू एच डबल ओ एस ई, यहाँ लिख देता हूँ, होम के स्थान पर हो जाएगा आपका हुज, यानी कि हुज बुक इज दिस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। तो बिल्कुल आप देखें तो यहाँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया है और अवेल आपका एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अन्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको यहाँ इसका आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा। तो आप लिख देंगे माई सेल्फ, कौन सा, बहुत बारीकी से बताया था आपको, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज आई हु हैज डन इट। तो फ्रेंड्स यहाँ आई तो बिल्कुल सही है, लिंकिंग वर्ब के बाद में उसने सब्जेक्टिव फॉर्म ही दिया प्रोनाउन का, लेकिन यह रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है हु से, तो उसके बाद हमें वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। लेकिन आई को वैसे सिंगुलर मानते हैं, लेकिन यह प्लूरल होता है एम और वाज को छोड़कर, अपने साथ सभी जगह प्लूरल वर्ब रहता है, तो हैज के स्थान पर आप हैव का यूज कर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन आपका कोई भी हो, उससे पहले जो सब्जेक्ट आया हो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, तो हो जाएगा आपका हैव। It is I who have done it. चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। None of the two sisters is married. यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स नन का यूज हम टू से अधिक के लिए करते हैं, यानी दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। और इसके विपरीत neither, N E I टी एच ई आर, नीदर या नाइदर, इसका हम दो के लिए करते हैं, तो नन के स्थान पर हमें नीदर का यूज कर देना है। Neither of the two sister is married, यानी कि उन दोनों लड़कियों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Once should take care of his, his के स्थान पर once लिख देंगे, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए हलवा हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Let you and I go there. अब आपको टीचर लोग पढ़ा देते हैं कि let के बाद में, लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है, लेकिन फ्रेंड्स लेट आपका एक वर्ब है और वर्ब के बाद में तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है। कभी आपने देखा है कि वर्ब जो मेन होता है उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे मैंने लिखा कि हेल्प आई, हेल्प आई, मेरी मदद करो, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे ना, ये गलत हो जाएगा। आप शुरू से पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो वर्ब का आपका कोई भी हो, लेट ही नहीं, कोई भी वर्ब हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म लिखा जाता है। तो देखिए लेट यू, यू तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन अब एंड से जुड़े हों और वर्ब के बाद आया है, तो यहां भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखना है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी, लेट यू एंड मी गो देयर, यानी कि मुझे और, यानी कि तुम्हें और मुझे वहां जाने दिया या जाने दो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। दोज पीपल आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ दिया गया है, तो यहाँ नोज नहीं रहेगा, नो रहेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ही इज वन ऑफ दोज पीपल, वह उन व्यक्तियों में से एक है, हु वो जानते हैं, नो एवरीथिंग प्रत्येक चीजों को, तो नोज नहीं रहेगा, नो रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका Whose did you punish? देखिए फ्रेंड्स वहां आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिया है यहाँ, लेकिन यहाँ आपको पजेसिव केस दे दिया है, और पजेसिव एडजेक्टिव आपका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। कैसे, आपको कहना है कि आपने किसे पनिश किया, तो यहाँ यू पनिश मी, तुम मुझे दंडित करते हो या मुझे दंड देते हो, तो यह हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, होम। तो क्या लिखोगे आप, कि होम, यहाँ होम हो जाएगा, होम Did you punish? ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। I who are your friend will help you. तो फ्रेंड्स I who, I के लिए who जोड़ दिया गया है, तो यहाँ R नहीं M रहेगा, क्या रहेगा, M. Who am? I who am your friend will help you. बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए।
वी एंजॉयड इन द फेयर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद आपका जो फेयर आ जाए वह आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपका इंजॉयड पास्ट वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी का आपको हाँ तुरंत इंजॉयड के बाद आपको इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होगा, तो हो जाएगा अवर सेल्फ्स। आपका कॉन्सेप्ट वहीं से काम कर रहा है, वी एंजॉयड अवर सेल्फ्स इन द फेयर। अगर ये नहीं होता सीधा वी एंजॉयड द फेयर, बताइए फ्रेंड्स क्या गलती है, वी एंजॉयड द फेयर, हमने मेले का आनंद लिया, तो कोई भी गलती नहीं है। ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, तो फ्रेंड्स ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि किसी भी वर्ब का कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ आप आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई, ही एंड आई टुक डिनर, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी कि प्रत्येक लड़का, तो ईच का प्रयोग हम फ्रेंड्स दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए, लेकिन यहाँ आप ईच की जगह पर एवरी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप लिख सकते हैं एवरी बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी कि प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटेक मी, तो देखिए इज आपका लिंकिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखा जाएगा बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, बिल्कुल सही है, आप अपने आप से कर सकते हैं। नाइदर ऑफ द टू वर्ड्स, यहाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये टू वर्ड्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका यहाँ नाइदर है, यह तो आपका ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है आप जानते हैं, तो जो वर्ब है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगा, नाइदर सिंगुलर है, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ईच ऑफ हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी ऑफ हो गया, कोई भी हो गया, तो वह हमारा सिंगुलर होता है। वन ऑफ द फ्रेंड्स, तो यहाँ भी वन का सिंगुलर होगा, तो यहाँ आप एज यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे, एज। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गोल्ड, यानी उन दोनों लड़कों में से कोई भी अच्छा नहीं है। दिस अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दिस इज ऑल व्हाट आई नो, तो फ्रेंड्स आपका जो ऑल हो गया, क्या हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, नन हो गया, ओनली हो गया, इनके बाद हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं बल्कि हम इनके बाद दैट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दैट का, तो आप समझ गए होंगे क्या गलती है, तो यहाँ पे व्हाट के स्थान पर लिख दें दैट, क्या लिख दें, टी एच ई टी, दैट। और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, एडवांस स्ट्रक्चर आप मांग करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।